हेलो एवरीवन, मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को शहनाज किचन में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक से नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसे बच्चे बड़े सभी लोग पसंद करते हैं। उस रेसिपी का नाम है एक चटपटी। चलिए शुरुआत करते हैं एक चटपटी के साथ। इसे बनाने के लिए, एक चटपटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं ली हूँ 6 एग बॉयल, इसे मैं कट करूंगी, और ली हूँ मस्टर्ड सीड ली हूँ 2 टीस्पून, और पोस्तक ली हूँ 2 टीस्पून, उसमें 2 सूखी मिर्ची डाली हूँ, इसे ग्राइंडिंग करूंगी मैं, और ब्लैक पेपर ली हूँ, जिंजर गार्लिक सब चॉपिंग ली हूँ, अनियन भी ली हूँ चॉप, और कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, और सूखे मसाले में ली हूँ हल्दी मिर्ची गरम मसाले जैसे होते हैं वही चीज़ ली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अंडा को छील ली हूँ, इसे ऐसे कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा चाक कर लेंगे जैसे इसके अंदर मसाले घुसेंगे। अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये पोस्तक, खसखस और पपी सीड जिसे बोलते हैं, वो मैं ली हूँ इसी टीस्पून में, छोटी टीस्पून में, चाय की 2 टीस्पून, इसको मैं ग्राइंडिंग करूँगी अभी। इसके साथ मुझे डालना है मस्टर्ड सीड, ये भी 2 टीस्पून डालना है मुझे भर के। आप अंडे के हिसाब से लेंगे मसाले, मैं तो 6 अंडा ली हूँ ना, उस हिसाब से ले रही हूँ। अब मैं इसे ग्राइंडिंग करूंगी। अब मैं इसे, ये जो पपी सीड और मस्टर्ड सीड और एक में ग्रीन चिली डाली हूँ, और थोड़े थोड़े गार्लिक और जिंजर का चॉपिंग भी इसमें थोड़ा करके प्यूरी बना ली हूँ। देखिए मसाले ये तैयार है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी अंडा में, फिर मैं इसमें थोड़ा अनियन लूंगी छोटे टीस्पून में, 3 टीस्पून, थोड़ा जिंजर लूंगी 1 टीस्पून, थोड़े गार्लिक, थोड़ा ब्लैक पेपर, आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। अब मैं सूखे मसाले लेती हूँ, थोड़े हल्दी, रेड चिली पाउडर, और थोड़े जीरे के पाउडर, और थोड़े गरम मसाला, ज्यादा नहीं एकदम कम, और थोड़े दही लूंगी, दही 3-4 टीस्पून। बस अब मैं इसे मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे, और सॉल्ट भी डालना है मुझे। इसे 10 मिनट के लिए मिक्स करके हम मैरिनेट करेंगे इसे 10 मिनट के लिए। ये अब मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा ग्रीन चिली डालती हूँ, 1 टीस्पून, और मैं ऑयल डाल के इसे पैन को गरम करती हूँ, और थोड़ा एक इसे कलर बनाने के लिए मुझे कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून डालना है। अब मैं फिर से इसे थोड़ा मिक्स कर लूँ। अब मैं इसे ऑयल डालती हूँ, 3-4 टीस्पून ऑयल डालेंगे टेबलस्पून में, थोड़ा गर्म हो जाए मैं फिर इसमें डालती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसे थोड़ा स्लो कर देती हूँ गैस को। अब मैं इसे डालती हूँ,
इसमें थोड़ा मैं पानी भी डालती हूँ। इसे मैं थोड़ा चलाकर इसमें लो फ्लेम में इसे बनाएंगे, जैसे सारे मसाले अंडे में सोक कर ले। इसी बीच आप नमक भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा मैं कवर करके इसके बनाऊंगी, इसे बनाकर मैं फिर आपसे मिलती हूँ। देखो ये अब होने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा और एक चीज़ डालूंगी, थोड़ा बटर डालूंगी, 15 ग्राम, ज़्यादा नहीं। थोड़ा धनिया की पत्ती, ये बहुत मज़ेदार होता है, इसे पराठा के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और रुमाली रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। मैं और 2 मिनट इसे कुक होने देती हूँ। चलिए देखते हैं बना के नहीं। ये अब पूरी तरह एक चटपटी बन चुकी है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। गैस ऑफ करती हूँ। एक चटपटी अब तैयार है। अब इसे थोड़ा गार्निश करते हैं। बस ये अब तैयार है। आज की मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और जो नए हैं मुझे सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। मस्त रहिए, खुश रहिए।